नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं, यहां पर देख रहे हैं कि बहुत ही भारी लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि पौधारोपण कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में यहां पौधारोपण किया जा रहा है, जानते हैं डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। आपका नाम? सुमित्रा देवी। मेरा नाम निशा इंसा है। मैम, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है? ये आज हमारे गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है और 15 अगस्त है। आज के दिन हम पौधा लगाकर पिताजी को एक गिफ्ट देते हैं। जी जी जी। हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे है, ताकि मतलब जो पोल्यूशन है, जिसके कारण मतलब एक हमारी ओजोन परत भी है जो खराब हो रही है, अंटार्कटिका का जो बर्फ है वगैरह है वो सब पिघलती जा रही है, उन सबके लिए पिताजी ने एक बीड़ा उठाया है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और ऐसे समाज को हमने निर्मित करना है ताकि यहाँ पे किसी को भी एक बीमारी तक भी ना हो और सब सुरक्षित रहें, साफ सुथरे रहें और पौधों की वजह से पूरी ग्रीनरी रहे। सारा बीड़ा इतनी मजबूती से उठाया कि संगति उस पर पूरी उससे चल रही है रैमोक्रम से उनके, और उनकी पूरी दया में ये रहे ताकि वो समाज को पूरा अच्छा इसे पोल्यूशन से मुक्त करा सके। मैम, जो आज ये पौधारोपण किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग आज पौधा लगा रहे हो, तो आगे आप किस तरह से इसकी साफ संभाल करते हो? सर, यहाँ पानी डालने आते हैं जी जी, और जैसे अब लगाने आगे तो जो बड़े बंदे हैं ना, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो पानी डाल के जाएं, इनकी रेख देख करें। अब जैसे इनके ऊपर वो लगा जाएंगे, समय समय इसके संभाल, समय समय पे खाद डाल लें, समय समय पे खाद डालनी है, इनकी साफ़ सफाई करनी है, कोई आसपास फालतू घास ना हो, कुछ भी पैदा ना हो, कि ताकि जिससे पौधा टाइम टू टाइम चलता रहे और ग्रोथ करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचे ताकि साफ वातावरण मिले सबको। जी जी। मैम, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा और कौन कौन से समाज भलाई के, देश भलाई के काम किए जा रहे हैं? सर, वैसे तो हमारे 134 मानवता भलाई के काम है। सर, वो जो समाज भलाई के हैं, गरीबों में अनाज भी बांटा जाता है सर, और जैसे लत्ता कपड़े की कभी कहीं जरूरत होती है, कहीं भूकंप आ गया, पानी की बाढ़ आ गई, वहाँ राशन पहुँचाया जाता, कपड़े भी पहुँचाते हैं। कहीं और जैसे पीछे सी कहीं बच्चे गिर गए गड्ढे में, उससे वहाँ भी भलाई के लिए हमारे सेवादार जाते हैं, और जनानियाँ तो चल नहीं जा सकती, लेकिन सेवादार बंदे जाते, जो आसपास होती हैं तो लेडीसें भी चली जाती हैं। जी जी। बहुत मतलब मैं सारी तो जानकारी मुझे नहीं है कि कौन से हैं, 134 मानवता भलाई, सारे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जितना पता इतना बता सकती हूँ। बहुत सारे हैं, जैसे लड़कियों की शादी होती है गरीब की, उनकी भी, किसी का बच्चा हो या कोई बेसहारा है, हर चीज की यहाँ मतलब के सहायता देते हैं। हाँ, मतलब मानवता भलाई के काम है। जैसे कुल का क्राउन भी एक रीत चलाई है, जिनके नहीं बेटा है तो वो बेटी से भी अपना परिवार चला सकते हैं, और बच्चों को टॉयस के लिए, जो बच्चे अनाथ है गरीब है उनको टॉयस के लिए, और फिर गोदान, बहुत सारे ऐसे काम हैं, वैश्यावृत्ति को दूर करना, वैश्यावृत्ति को दूर करके उनको सही समाज में लेके आना, और किन्नरों के लिए बीड़ा उठाया ताकि किन्नरों को मुख्य समाज में मतलब पूरा वो मिले, सहयोग मिले और वो मुख्य समाज में आए हमारे, और हमारे जैसे ही जैसे जॉब करें, हर उसमें पोस्ट में वो अपनी भर्ती करवा सकते हैं, ताकि उनको भी वो पूरे हमारे साथ मिल जाएं, सभ्य समाज में आ जाएं। आदिवासियों के लिए बीड़ा उठाया, उनको भी सभ्य समाज में जोड़ने के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत से सही ढंग से उनको समझाया है कैसे सभ्य समाज में आपने आना है, और उनके लिए भी गवर्नमेंट तक बहुत बीड़ा उठाया, सफाई अभियान स्टार्ट किया है। बहुत से ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं जो गुरुजी ने बीड़ा उठाया है कि वो समाज को बुराइयों से मुक्त, पोल्यूशन से मुक्त, इन सब चीज़ों से मुक्त कराना ही कराना है। ये उनका एक बीड़ा है, एक मिशन है उनका। जी जी। तो ये मैम, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं के लिए डेरा सच्चा सौदा कितना सुरक्षित है? महिलाओं के लिए डेरा सच्चा सौदा इतना सुरक्षित है क्योंकि हमें वहाँ से 20 ईयर्स से भी ऊपर हो गए हैं जुड़े हुए, और हम वहाँ पे टाइम टू टाइम सेवा पे भी जाते हैं, 13 वास की सेवा लगती है, वहाँ भी जाते हैं, किसी भी चीज़ की सेवा लगती है, टाइम टू टाइम जाते हैं वहाँ। कोई वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई, जो लोग समझते हैं सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वहाँ पे पूरी डेरे की संगत है जो डेरे के नियमों को फॉलो कर रही है, और टाइम टू टाइम डेरे जा भी रही है, और मन बढ़ चढ़कर मानवता भलाई के कार्यों में हिस्सा भी ले रही है। तो आज भी संगत पूरी बरकरार है अपने मुकाम पे, पूरी सीधा अपने मकसद पे चल रही है जो उनके गुरुजी ने बीड़ा उठाया है। तो वहाँ पे पूरी महिलाएं सुरक्षित हैं। मैम, 4 साल हो चुके हैं वो समाज के बीच नहीं है, तो समाज में
में क्या क्या प्रभाव पड़े इस चीज़ के उनके ना रहने से? उनके रहने से वैसे तो सब संगत के पास ही हैं वो, उनके रहने से किसी को भी कोई वो नहीं है, सबको इतना है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आए, और जैसे पहले से लगातार डेरे में जो सेवा चल रही थी वो लगातार चलती रहे, टाइम टू टाइम चलती रहे। आज भी उनके ना रहने के बावजूद भी वैसे ही पूरे फॉलो किए जाते हैं नियम, जो डेरे के मानवता भलाई के कार्य बनाए गए हैं वो सब वैसे ही फॉलो किए जाते हैं और वैसे ही सेवा बढ़ चढ़ कर की जाती है। आज भी मतलब उनके नियम पर चला जाता है और उनके वचनों पर चला जाता है, और वो हमेशा संगत को सही रास्ता ही दिखाते हैं। चलते हैं तो हमें बड़ा सुकून होता है, जो हम चाहते हैं ना हमारा वही काम पूरा होता है। जो कितना विश्वास है आज भी आपका आपके गुरु पर? विश्वास है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उनका ना हमें देखने को वहाँ देखता है लेकिन हमारे पास में ही रहते हैं जी। हमें तो ऐसा लगता है जी। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों से समाज को मुक्त करें, और जैसे पेड़ पौधों को या और भी सफाई अभियान की चीज़ों को, इंडिया को डर्टी इंडिया ना बना के सफाई अभियान की शुरुआत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाए, आगे मतलब बीड़ा उठाए कि हाँ भाई ऐसे अच्छे कार्य हों जिससे समाज बुराइयों से मुक्त हो। और समाज से ये भी अपील करेंगे कि हमारे गुरु जी सब उससे निर्दोष हैं, उनका कोई वो नहीं है, बाकी वो जाने उनका काम जाने, बस वो जल्दी से जल्दी अपनी संगत के बीच में आ जाएं, बस हमारी यही अपील है। और बाकी हम पूरा कानून के नियमों को फॉलो करने वाले हैं, पूरा हम मतलब सरकारी अच्छे नागरिक की तरह जैसे कानून कहेगी उसी हिसाब से चलेंगे। आज कोरोना काल में भी हम उसी हिसाब से पूरा नियम बांध रहे हैं अपने, और नियम वैसे ही चल रहे हैं जी। थैंक यू सो मच मैम। तो ये रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताए, बहुत ही अच्छा जो ये सराहनीय काम समाज को पर्यावरण को दे रहे हैं कि गुरु जी का बर्थडे है और पौधारोपण करके मना रहे हैं जिससे कि पर्यावरण वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ताकि आने वाले समय में जो महामारी फैली है उनसे पहले ही हमें निजात मिले। बहुत ही सराहनीय काम जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं समाज भलाई के लिए, देश भलाई के लिए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।